हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिट अबव पार। और एक फैंटास्टिक रैली आज आप लोगों ने विटनेस करी है निफ्टी के ऊपर एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले। इतनी शानदार रैली की आज का अगर गैप देखेंगे तो वो गैप ही केवल 220 पॉइंट्स का था। ये गैप क्यों क्रिएट हुआ एंड क्यों सस्टेनेबिलिटी आई, इसके बहुत सारे कारण हैं, वो मैं धीरे धीरे करके इस वीडियो के अंदर आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको याद होगा यूएस के मार्केट्स में दो प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आने थे, एक थे जॉनसन एंड जॉनसन के, दूसरा था नेटफ्लिक्स का। तो नेटफ्लिक्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर सब्सक्रिप्शन डिक्लाइन तो देखने को मिला है, लेकिन जितना एस्टीमेट्स था कि बहुत बड़ा डिक्लाइन होगा वो नहीं हुआ है, उससे कम ही डिक्लाइन देखने को मिला, जिसकी वजह से इसके रिजल्ट को एक पॉजिटिव एक्शन की तरीके से देखा गया। अर्निंग्स में यूएस की अर्निंग्स में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला एंड साथ ही साथ इसी तरीके से जॉनसन एंड जॉनसन के अंदर भी आपको कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज नहीं देखने को मिली है। यानी कि इस क्वार्टर की जो अर्निंग सामने आएंगी वो काफी हद तक प्रीवियस अर्निंग से यानी कि Q1 से बेहतर रहेंगी यूएस के अंदर। एंड इसी वजह से आप देखिए यूएस मार्केट्स में कल क्या हुआ है, एक अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है जब यूएस मार्केट के नेस्टेक ने 3.11% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी। S&P 500 ने 2.76% एंड डाउ जोन्स ने बहुत दिनों के बाद में 3% की ये तेजी दी है। तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर यूएस मार्केट से आती हुई दिखाई दी है। हालांकि अभी बहुत लंबी लिस्ट है यूएस के अंदर प्रोमिनेंट स्टॉक्स की जिनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, लेकिन एक किक स्टार्ट जो होता है वो बहुत पॉजिटिव एंड सॉलिड बैकग्राउंड के साथ में होता हुआ दिखाई दिया है। यूएस के अंदर कल सब कुछ खरीदा जा सकता था, केवल एक या दो स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स ग्रीन साइन के साथ थे। एप्पल को ले लीजिए, अमेजन को ले लीजिए, 3% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट अगर अभी की बात करें तो फ्यूचर्स में आपको दिखा रहा हूं, फ्यूचर्स के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं है, लेकिन सारे के सारे फ्यूचर्स जो हैं वो एक ग्रीन साइन के साथ में दिखाई दे रहे हैं। नेस्डेक अभी भी इतनी बड़ी तेजी के बाद में 0.26% की तेजी दिखा रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं ये चीज आपको देखने को मिल रही है कि नेस्डेक के अंदर भी बॉटमिंग आउट प्रोसेस शायद होता हुआ दिखाई दे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे हफ्ते के अंदर किस टाइप से यूएस टेक 100 या फिर नेस्डेक क्लोजिंग देता है, क्योंकि अगले हफ्ते यूएस फेड की मीटिंग रहेगी, उससे पहले यहां पर एक बड़ी तेजी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब मैं आपको वापस चार्ट की तरफ लेके चलता हूं, आप ये देखिए क्या सिचुएशंस रही हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे थे निफ्टी, तो निफ्टी का ये जो लेवल है ये बहुत डिसाइसिवली इसने क्रैक कर दिया, यानी कि प्रीवियस जो लेवल थे यहां पर, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो कल ही क्रॉस हो चुके थे और अब यहां पर फर्दर एक बड़े गैप के साथ में पोजीशंस बन रही है। नाउ अगेन 50% के रिट्रेसमेंट जोन जो 16,650 के हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकते हैं? एग्जैक्टली बन सकते हैं। आप ये देखिए यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ रहे थे। तो अगला टारगेट एक बार के लिए 16,650 हम लोग ले सकते हैं। वैसे भी कल एक्सपायरी है 21 जुलाई की, थर्ड वीकली एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी इस मंथ की, तो ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बट अगेन यूएस मार्केट के अंदर अगर तेजी के साथ में क्लोजिंग होती है तो हम लोग एक फ्लैट से स्लाइटली ग्रीन साइन के साथ ओपन हो सकते हैं एंड फिर ड्यूरिंग द डे टाइम 16,650 भी क्रॉस होते हुए नजर आ जाएंगे। यानी कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो कॉल राइटर्स को है। कॉल राइटर्स इस वक्त हर लेवल पर ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज भी 16,650 के ऊपर अगर आप कॉल राइट करके गए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सही साबित हो। जो मोमेंटम इस बार है वो प्रीवियस मोमेंटम से कुछ ज्यादा स्ट्रेंथफुल मुझे नजर आ रहा है। जितने भी प्रीवियस पुलबैक आपको देखने को मिले उन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ में ये पुलबैक नजर आ रहा है, पिछले अगर 3 महीने का आप रिकॉर्ड देखेंगे। एंड ये सिचुएशन जो है डेफिनेटली निफ्टी को 17,000 के लेवल तक ले जा सकती है। मैंने इस महीने का टारगेट 16,700 से 16,800 आपको दिया था। लेट्स सी कि कल एक्सपायरी कैसी होती है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि निफ्टी किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर यहां पर कुछ कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, पिछली बार निफ्टी इन्हीं लेवल्स के आसपास आकर कंसोलिडेट हुआ था, बात है जून मंथ की, जून 2022 की, इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट हुआ था। तो हो सकता है अगर उसको ऊपर का मूव बनाना है तो यहां पर आकर फिर से एक बार कंसोलिडेशन दिखाने लगे। निफ्टी से वोलेटिलिटी बिल्कुल निकल चुकी है, यह बात आज हमें ऑलरेडी दिखाई दे रही है। आप ये देखिए एक गैप अप होने के बाद में निफ्टी कितने छोटे दायरे के अंदर काम करता हुआ नजर आया। हाँ ठीक है, लास्ट में हमने जरूर देखा है कि थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स की गिरावट के
साथ में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बट ऑल टुगेदर अगर आप रेंज देखेंगे ओपनिंग एंड हाई पॉइंट में, मैंने आपको बताया केवल 26 पॉइंट का ही यहां पर डिफरेंस था, एंड अगर आप हाई लेवल्स के अंदर एंड लो लेवल्स के अंदर देखें तो भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 16,600 के पास आज के हाई लेवल्स थे एंड 16,500 के आसपास आपको लो लेवल्स दिखाई देंगे। ऑल टुगेदर प्रिसाइज वे में देखें तो 80 से 90 पॉइंट्स के डिफरेंस के अंदर आज निफ्टी ऑल टुगेदर मूव करते हुए नजर आया है। तो क्या ये गैप फिल होगा कल की तारीख में? मुझे लगता है 50% इस गैप के फिल होने के चांसेस बन सकते हैं, यानी कि 16,437 जो हमारे पास में 100 डेज का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है निफ्टी के ऊपर, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। कल तक के लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था क्योंकि क्लोजिंग थी इससे नीचे हुई थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 16,437 के स्टॉप लॉस के साथ में लॉन्ग पोजिशन स्टिल बनाई जा सकती है निफ्टी में। आई होप सारा डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में और अच्छी पोजीशन क्यों है? क्योंकि ये 50% की रिट्रेसमेंट जोन को क्लियर कर चुका है। 50% इस गिरावट को, इस पूरी गिरावट का 50% बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है और ये बहुत स्टेबल एंड स्ट्रांग सिचुएशंस हैं। अभी अब देखिए निफ्टी ने 15,200 से आज की तारीख की बात करें तो 16,588 के लेवल्स दिखाए हैं। फाइन, ये अभी हम लोग देख रहे हैं अभी रीसेंट का जो स्विंग लो था बॉटम जहां पर बने थे। इस पूरी रैली के अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी का है। याद रखिए बैंक निफ्टी ने सिंगल हैंडेडली इस पूरी रैली को अंजाम दिया है। निफ्टी आईटी गायब था, निफ्टी मेटल गायब था। इनफैक्ट अगर आप देखें एनबीएफसी सेक्टर से भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट आपके पास में नहीं था, तो ये सिंगल हैंडेडली बैंक निफ्टी का काम था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरीके से आज एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर में शामिल हुआ है, यानी कि बहुत दिन के डाउन ट्रेंड के बाद में इसने भी अब रिवर्स दिखा दिया है और साथ दे रहा है एसबीआई, ये दोनों आज टॉप 10 स्टॉक्स में से शामिल हुए हैं। डेफिनेटली बैंक निफ्टी अपने और हायर लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। एक क्रूशियल लेवल 50% का क्रॉस कर लिया है। अगले लेवल है 36,300 के, 36,300 के आसपास के लेवल्स हैं। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वहां पर बैंक निफ्टी को अब मिलने वाला है। डेफिनेटली ये आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में इसको क्रॉस करके एंड फर्दर 37,000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 37,000 तक के लेवल के लिए बैंक निफ्टी को भी डेफिनेटली एक लॉन्ग साइड में लिया जा सकता है एंड बहुत ज्यादा डीप स्टॉप लॉस देने की यहां पर भी मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, जिस टाइप का मोमेंटम अभी क्रिएटेड है। आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटेक के बाद में अब एचडीएफसी बैंक आ गया है और साथ में आपके पास में पीएसयू सेक्टर का एसबीआई बैंक भी साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं रही है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा गिरावट नहीं रही है। हालांकि गैप जो है वो कंसिडरेबली निफ्टी से कम ही यहां पर आता हुआ दिखाई दिया था। तो अगेन मैं कहूंगा कि इस सिचुएशन को देखते हुए, टेक्निकल पैटर्न को देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथफुल बैंक निफ्टी है, क्योंकि यहां पर साथ के साथ गैप भी कहीं ना कहीं 30-40% ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेट्स सी कल किस टाइप की ओपनिंग रहती है, उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अब अगला जो रुख है वो किस टाइप का बना रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूं की, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस भी किया है कि किस तरीके से अब यहां पर विक्स भी, यानी कि वोलेटिलिटी भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। 16.82 बहुत दिनों के बाद में 17 के नीचे खिसकते हुए दिखाई दिए हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि इट मींस कि ट्रेडर्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनती हुई यहां से भी दिखाई दे रही है। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट द कंट्रीब्यूटर्स, सबसे पहले अगर आप देखें आज रिलायंस रहा है। क्या रही है बात रिलायंस की, क्योंकि इस तेजी का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर था वो रिलायंस ही था। इनफैक्ट शुरुआत से ही, आज मार्केट की शुरुआत से ही ये सिचुएशन दिखाई दे रही थी, क्योंकि 23,000 पर टन का जो एक विंडफॉल टैक्स लगाया था सरकार ने भी लास्ट वीक, उसके अंदर रिडक्शन किया है, केवल 17,000 पर टन का ही यहां पर विंडफॉल टैक्स लगेगा। तो इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से रिलायंस एंड ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। उसके बाद क्योंकि कल नेस्डेक एक टॉप गेनर 3.11% की तेजी के साथ क्लोज हुआ था, तो इंफोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हुए दिखाई दिए। दोनों में 3% और 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। और एचयूएल के रिजल्ट आए थे, आपको पता है बहुत शानदार रिजल्ट रहे, तो यहां पर भी 1.5% के आसपास की तेजी के साथ में क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर प्रोमिनेंटली बहुत शानदार तरीके से
टिक बाय टिक निफ्टी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। पहले क्या होता था कि निफ्टी जब प्रोमिनेंटली डाउन जाता था तब एफएमसीजी ऊपर की तरफ जाता था, एंड ऑल द अदर डेज एफएमसीजी के अंदर या तो कंसोलिडेशन रहता था या फिर वो नीचे के रुख दिखाता हुआ दिखाई देता था। बट जिस तरीके से आईटीसी के अंदर 300 के लेवल्स मार्क होते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटीसी, एचयूएल एंड जो नेस्ले जैसे स्टॉक हैं वो आगे लीड करते हुए नजर आएंगे। तो निफ्टी के लिए बेसिकली दोनों तरफ से पॉजिटिव सिचुएशंस हैं। एक तरफ बैंकिंग स्टॉक यहां पर पॉजिटिव हो रहे हैं, दूसरी तरफ यहां पर एफएमसीजी का साथ मिल रहा है। तो निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स ज्यादा निकल के आ रहे हैं निफ्टी के अप मूव में कंट्रीब्यूट करने के लिए, जो एक बहुत पॉजिटिव बात है। नाउ एफआईआईज एंड डीएस की बात करें तो मुझे नहीं लगता अभी तक डेटा आउट हुआ होगा क्योंकि बहुत अर्ली मैं वीडियो बना रहा हूं, एग्जैक्टली आज भी आउट नहीं हुआ है। बट जिस टाइप की सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है, शायद माइट भी ऐसा हो सकता है कि आज भी एफआईआईज ग्रीन साइन के साथ में ही नजर आए जैसे प्रीवियस दो दिन से आपको देखने को मिल रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑप्शन चेन, अब कल यहां पर एक्सपायरी है 16,520 के ऊपर निफ्टी आ गया है। देखिए यहां पर क्या सिचुएशन है, क्लियरली दिखाई देगा 16,500 के ऊपर 16,600 पर 158,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज भी यहां पर आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। मामूली सी तेजी है, चेंज इन वही बहुत ज्यादा कम है 2,500 का, लेकिन आप एक चीज देख पाएंगे चार्ट के ऊपर 16,650 के लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, एंड उसी की रेंज में 16,600 पर लोगों ने आज अपनी कॉल पोजिशन बना ली है। तो ये जो 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर एडिड है और जो आज पोजिशन यहां पर नहीं काट के गए, यानी कि जो आज नहीं प्रॉफिट बुक करके गए, उनके लिए मैं समझता हूं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या रहेगी कि कल अगर निफ्टी वापस से एक फ्लैट ओपनिंग भी दिखा देता है देन डेफिनेटली 16,600 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस टाइप का मोमेंटम है और जो न्यूज यहां पर फैक्टर इन होती जा रही है, अर्निंग्स अच्छी आ रही है यूएस के मार्केट में, वो 16,600 या 16,650 उसको रोक नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट 16,750 तक पहुंच सकते हैं। तो दो ऐसे पड़ाव है हमारे पास में जहां पर 1,50,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई बिल्डअप है, 16,700 और 16,600, जिसमें से 16,600 डेफिनेटली निकल सकता है, बट 16,700 के आसपास आकर एक बार के लिए निफ्टी थोड़ा सा जिटरनेस या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकता है। तो माइट बी 16,700 के अंदर आपको कल की क्लोजिंग यानी कि कल की एक्सपायरी देखने को मिले, तो अपर रेंज में देना चाहूंगा 16,700। अब पुट साइड में बात कर लेते हैं, तो पुट साइड में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है 16,500 पर ही। आप देखिए 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास का यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हुआ ही है, बट हम लोग बात करते हैं कि देखिए 16,340 पर कल की क्लोजिंग दी, तो 16,300 आज क्या दिखा रहा है, 1,00,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं। किसी भी गिरावट के अंदर व्हाट आई बिलीव कि 16,300 संभालते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी को, बट बिफोर दैट 16,437 जो एक्चुअली में एक 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी हमें बिल्कुल कम नहीं आंकना चाहिए। 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर ऐड हो रहे हैं, 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल हो चुके हैं। तो 16,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, बट अगर 3-4 दिन की तेजी के बाद में कोई प्रॉफिट बुकिंग आती भी है एक्सपायरी पर, एक्सपायरी रिलेटेड इश्यूज हावी होते हैं इंडेक्स के ऊपर, देन मैं समझता हूं कि ये लोएस्ट रेंज 16,300 की आपको रखनी चाहिए। तो व्हाट आई बिलीव कि देखिए जो कंडीशन है यहां पर अगेन 400 पॉइंट्स की ऐसी आती हुई दिखाई दे रही है जिसके अंदर निफ्टी कल ट्रैवल कर सकता है, एंड आपको पॉजिटिव साइड में इंस्टेंस ज्यादा क्रिएट रखना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो हमारे पास में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्कुल नियर बाय है और वहां से आपको एक अच्छी खासी पोजीशन डेवलप होती हुई दिखाई दे जाएगी। हाउएवर 16,500 पर स्ट्रैडल क्रिएटेड है, बहुत ज्यादा शुरुआत में ये कोशिश रहेगी ऑप्शन राइटर्स की कि 16,500 के आसपास ही यहां पर क्लोजिंग होती हुई देखने को मिले, बट इट ऑल डिपेंड्स कि टाइम के साथ सस्टेनेबिलिटी किन लेवल पर आ रही है, 16,000 से नीचे आ रही है कि 16,000 से ऊपर आ रही है, वही चीज डिपेंड करेगी कि 16,600 के ऊपर की क्लोजिंग या फिर 16,600 के नीचे की क्लोजिंग आपको देखने को मिलती है। आई होप सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, केवल एक FIAs एंड DIAs का छोड़ के क्योंकि वो डेटा अभी तक आउट नहीं हुआ था। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहा है आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे ठीक पहले विप्रो की वीडियो डाल चुका हूं, उसके रिजल्ट आए हैं आज, और रिजल्ट आने के बाद में क्या आपको पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं वो भी आप जाकर जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि टॉप 3 IT स्टॉक्स में से वो स्टॉक है एंड उसका चलना निफ्टी IT के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट माना जाएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।